Cause I just wanna go, go, go to the deep end. I just wanna go. TechnoWiz में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, आज करते हैं टेक्नो पोवा 6 प्रो 5G की अनबॉक्सिंग और इसकी सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देंगे। टेक्नो पोवा 5 प्रो वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल बजट स्मार्टफोन था टेक्नो की तरफ से, अब उसको सक्सीड करने के लिए आ गया है टेक्नो पोवा 6 प्रो 5G। बॉक्स देखेंगे इस तरीके का है, बॉक्स के डिजाइन थोड़ी सी अलग है। आपको बॉक्स में एक अच्छी क्वालिटी का बैक केस मिलता है, आपको फोन मिलेगा, सिम इजेक्टर पिन, एक चार्जर जो कि 70 वॉट का है, यस, और आपको साथ में टाइप सी केबल। अब फोन की बात करते हैं, डिजाइन और बिल्ड उठाते हैं। पीछे आपको पॉलीकार्बोनेट बैक है, पॉलीकार्बोनेट फ्रेम है और पीछे जो डिजाइन है ये मदरबोर्ड इंटरफेस ऐसा यहां पर बताया गया है और दिखने में भी कुछ वैसे ही लगता है, मतलब ऐसा लगेगा कि ये एक मदरबोर्ड है जो पीछे से यहां पर दिख रहा है। आर्क इंटरफेस भी आपको यहां पर मिलता है बैकलाइट से, इसके बारे में आगे डिटेल में बात करते हैं। और साथ ही साथ आपको बता दूं, ये 7.9 mm की थिकनेस और 195 grams का है, यानी कि ये वन ऑफ द स्लिमेस्ट 6000 mAh बैटरी स्मार्टफोन है, या इंडिया का स्लिमेस्ट 6000 mAh बैटरी स्मार्टफोन है जो यहां पर आपको इतना स्लिम क्या फॉर्म फैक्टर में बड़ी बैटरी भी यहां पर उन्होंने दिया है। बाकी नीचे 3.5 mm जैक है, माइक वाले टाइप सी पोर्ट है और ऊपर भी आपको एक माइक मिलता है, तो डुअल माइक दिया है नॉइस कैंसिलेशन के लिए। ऊपर आपको आयर ब्लास्टर मिलता है, स्पीकर ग्रिल भी ऊपर की तरफ दिया है, यानी कि इसमें डुअल स्पीकर है जो अच्छा लगा और ऑडियो एक्सपीरियंस काफ़ी लाउड है। लेफ्ट में सिम ट्रे है, यहाँ पर आपको इसके अंदर फुल साइज स्लॉट मिलता है, तो ये भी बहुत अच्छा काम किया है। राइट में पावर बटन, उसके ऊपर वॉल्यूम अप एंड डाउन की, और अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया है क्योंकि इस बार आपको एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, जो अच्छा काम किया उन्होंने। और यहाँ पर डिस्प्ले के अंदर जो फिंगरप्रिंट स्कैनर लगा हुआ है वो बहुत ही फास्ट और रिस्पॉन्सिव है। दो कलर्स मिलते हैं, एक आपको ग्रीन जो हमारे पास यहाँ पर है और आपको एक मेट्रियट ग्रे कलर भी मिल जाएगा। बात करते हैं आर्क इंटरफेस की, जो पीछे आपको बैकलाइट मिलता है, इसमें इस बार आपको 100+ कस्टमाइजेशन देखने को मिलते हैं और यहाँ पर आपको एक सेटिंग्स में ऑप्शन दिया गया है डायनामिक लाइट इफेक्ट। अब इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं जो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। एक तो आपको यहाँ पर अगर उसको कंटिन्यूस ऑन रखना है, कैसा आपको ठीक लगता है, ऑल डे या जैसा भी, वो आप रख सकते हैं। कॉल्स की नोटिफिकेशन अगर आप देखोगे तो आप इसमें जब ऑप्शन में जाते हो तो अंदर आपको फ्यूजन, अलर्ट, पावर, रिदम, फ्लो, पल्स, ब्रीथ, मीटियोर, अलग अलग तरीके से जो लाइट है वो इफेक्ट्स देती है जो देखकर बहुत कूल लगता है। ऐसा लगता है कि इस बार उन्होंने आर्क इंटरफेस पर पहले से ज्यादा अच्छे से काम किया है, अगर मैं एनिमेशन और इफेक्ट्स की बात करता हूं। बाकी आप इधर वो कैमरे वाली रिंग को ऑन कर सकते हैं लाइट को, या राइट साइड में आपको दोनों में से कोई एक ऑप्शन को ऑन या ऑफ करने का मौका मिलता है। फिर आपको नोटिफिकेशन के लिए, म्यूजिक के लिए, इंटेलिजेंट कनेक्शन जैसे कि ब्लूटूथ, वाईफाई, NFC, इनके लिए लाइट लिट होती है। बाकी पार्टी मोड, अगर आपको कंटिन्यूसली लाइट्स को ऑन करना है बैटरी कंज्यूम होगी, लेकिन आप चाहो तो ये भी कर सकते हैं। फिर आपको चार्जिंग के लिए 10%, 20%, 30% जैसा आपको ठीक लगे। गेम्स के लिए फोटोज अगर आपको लेना है, अगर आप फोटोज क्लिक करते हैं, टाइमर सेट कर दिया तो पीछे वो लाइट ब्लिंक होती है 1, 2, 3, 4, आपको पता चलेगा कि अभी फोटो लेने का समय आ चुका है। वीडियो रिकॉर्डिंग करना है उसके लिए, फोन स्टार्टअप होता है उसके लिए, और अगर आपने फोन को ऐसे रख दिया है तो ये ऑटोमेटिकली म्यूट भी हो जाता है और पीछे की लाइट ग्लो होती है तो आपको पता चलता है कि फोन आ रहा है या कॉल आ रहा है या मैसेज आ रहा है। तो इस तरीके से बहुत अच्छे से उन्होंने एक बार आर्क इंटरफेस का काम लिया है जो आपको बहुत मजा आने वाला है। परफॉर्मेंस के लिए इसमें है MediaTek Dimensity 6080 6nm वाली चिपसेट। चिपसेट अपने आप में अच्छी है, यहाँ पर आपको एंड्रॉइड स्कोर डिसेंट मिलता है 4.5 लाख के आसपास। CPU थ्रॉटल बहुत अच्छा था, 92%, थर्मल्स वगैरह यहाँ पर काफी अच्छे निकल कर आए हैं। और साथ ही साथ LPDDR4X UFS 2.2 आपको मिलता है, ऐप ओपन क्लोज, मल्टीटास्किंग, रीड राइट स्पीड सब कुछ बढ़िया था, हमने कोई लैग स्टटर यहाँ पर जनरली जो जितना भी यूसेज किया है उसमें नहीं देखा था। बाकी इसमें एक हाई बूस्ट गेमिंग इंजन आपको मिलता है, गेमिंग के दौरान अगर आपको थोड़ा और फायदा उठाना है, गेम प्ले में ट्विक्स करना है तो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। हमने BGMI खेला HD पर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉल ऑफ ड्यूटी हमने हाइपर खेला, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आपको गेम प्ले भी करना है हाई ग्राफिक्स पर सेट करके तो वो सब कुछ आप यहाँ पर कर सकते हैं। डिस्प्ले की बात करते हैं, 6.78 इंच की फुल HD प्लस की आपको एक AMOLED डिस्प्ले मिलती है। डिस्प्ले देखा जाए तो टेक्नो पोवा 5 प्रो से अपग्रेड हुआ है, उसमें IPS था, इस बार उन्होंने AMOLED का इस्तेमाल किया है और यहाँ पर आपको 120 हर्ट्ज की हाईर रिफ्रेश रेट मिलती है और 360 हर्ट्ज का आपको टच सैम्पलिंग रेट मिलता है। 1300 निट्स की आपको इसमें पीक ब्राइटनेस मिलती है। आउटडोर विजिबिलिटी भी बहुत अच्छी थी, हमने जितना भी आउटडोर में इस्तेमाल किया डिस्प्ले क्वाइट विजिबल
फ्लेक्सिबल था। और DCI-P3 वगैरह मिलता है, 2160 हर्ट्ज का PWM डिमिंग भी आपको यहाँ पर दिया गया है। वीडियो क्वालिटी भी यहाँ पर काफी अच्छी थी, पैनल बहुत अच्छा है, ब्राइट है, शार्प है, तो वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं। इनफैक्ट 360 हर्ट्ज का आपको टच सैम्पलिंग रेट भी दिया गया। आपको पंचोल सेंटर पे मिलता है, बहुत छोटा है, चिन भी आपको काफी कम मिलती है, तो प्राइस के हिसाब से पंचोल और चिन बहुत अच्छे से मेंटेन किया है। और स्क्रीन गार्ड भी आपको पहले से लगा कर दिया है। बाकी हमने यूट्यूब पर चेक किया तो 1440p पे आपको 60fps का सपोर्ट मिलता है, तो आप यूट्यूब के वीडियोस का फायदा बहुत अच्छे से उठा सकते हैं। फुल रिव्यू करेंगे तो डिटेल में आगे डिस्प्ले की और भी बात करेंगे। सॉफ्टवेयर की बात करेंगे, हाई ओएस 14, एंड्रॉइड 14, तो इस बार एंड्रॉइड 14 पर ही आपको मिलता है। और यहाँ पर आपको कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह का सपोर्ट मिलेगा, जो कि स्टॉक डायलर यहाँ पर लगा हुआ है। और इसमें दोस्तों कुछ प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स हमने देखे थे, लेकिन आप उनको निकाल सकते हैं। और पाम स्टोर भी लगा हुआ है, इसके नोटिफिकेशन आ जाते हैं, बट आप इसको भी डिसेबल कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसके अंदर आपको सॉफ्टवेयर के अंदर हमने एक और फीचर नोटिस किया है, वो है डायनेमिक पोर्ट का। तो अगर आपको ऊपर जैसे कि फेस अनलॉक का और स्क्रीन रिकॉर्डिंग का दूसरे वगैरह के नोटिफिकेशन चाहिए क्वाइट स्मॉल विंडो में, तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। कैमरे की बात करते हैं, 108 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर आपको मिलता है, और 2 मेगापिक्सल का आपको एक अलग से AI सेंसर दिया गया है। और यहाँ पर आपको 2K वीडियो मैक्स मिलता है 30fps पे। और आपको साथ ही साथ सेल्फी की बात करें तो 32 मेगापिक्सल की सेल्फी है। और यहाँ पर सामने आपको डुअल LED फ्लैश भी दिया गया है, नाइट में अच्छे ब्राइट फोटोज लेना है अगर आप बहुत डार्क कंडीशन में, तो उसमें ये थोड़ा सा आपको हेल्प करता है। मैं आपको बिफोर और आफ्टर यहाँ पर दिखा रहा हूँ, आप खुद यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी आपको मैक्स सेल्फी में भी 2K वीडियो का सपोर्ट मिलता है 30fps। और स्लो मोशन की बात करें तो 240fps पे आपको अगर स्लो मोशन वीडियोस लेना है, वो भी यहाँ पर दिया गया, जो कि अच्छी क्वालिटी का है, वो आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। आपको पोर्ट्रेट मिलता है 1x और 2x, आप पोर्ट्रेट शॉट्स देख सकते हैं रियर कैमरे से, तो काफी अच्छे यहाँ पर फोटोज लिया है। प्राइस के हिसाब से बहुत अच्छे फोटोज निकल कर आए हैं। डायनामिक रेंज, एज डिटेक्शन, जो शार्पनेस वगैरह है वो बहुत अच्छी है। इनफैक्ट फोटोज वाइब्रेंट लगते हैं देखने में, तो ये भी आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ उसके अलावा आपको 10x जूम भी मिलता है टोटल, जो कि वीडियो फोटो में अगर आपको लेना है जूम शॉट, वो भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। बाकी स्काई शॉप है, डुअल व्यू है, बहुत सारे एक्स्ट्रा कैमरे के फीचर्स है जिनका फायदा उठा सकते हैं। अब फोटोज अच्छे निकल कर आए हैं, मैंने डे में काफी फोटोज लिया हूँ, आप देख सकते हैं। डायनामिक रेंज अच्छा है, कलर करेक्शन वगैरह है, सैचुरेशन मेंटेन्ड है, सब कुछ बढ़िया है, स्काई भी बहुत बढ़िया विजिबल है, तो यहाँ पर कोई ओवर सैचुरेशन का इशू नहीं है, बस फोटोज वाइब्रेंट लगते हैं और दिखने में अच्छे लगते हैं। कलर्स वगैरह भी यहाँ पर बहुत अच्छे निकल कर आए, तो काफी अच्छी क्वालिटी की फोटोज है। सेम गोज फॉर सेल्फी, सेल्फी में भी यहाँ पर ज्यादा कोई कंप्लेंट्स नहीं है, अच्छी सेल्फीज आती है। और नाइट के फोटोज की बात करें तो नाइट में भी काफी इंप्रेसिव फोटोज इसने निकाला है, ब्राइटनेस बहुत अच्छी है, नॉइस कम है, तो काफी अच्छे से उन्होंने काम लिया है। और जैसे कि टेक्नो पोवा 5 प्रो था कैमरे के मामले में, ये भी कुछ वैसी, इसमें मुझे और अपग्रेड्स लग रहे हैं। अगर मैं कैमरे की बात करता हूं तो यहां पर अच्छे फोटोज आप डे और नाइट में निकाल सकते हैं, रियर हो या सेल्फी हो। वीडियो क्वालिटी अगर आप देखेंगे डे की, तो काफी अच्छी निकल कर आई है, स्टेबलाइजेशन अच्छी है, और सेम गुड फॉर सेल्फी, तो यहां पर भी कोई मेजर कंप्लेंट्स नहीं है। मैंने फिर भी गूगल ड्राइव की लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दिया है। बैटरी की बात करेंगे, 6000mAh की आपको बैटरी मिलती है, जैसे कि मैंने आपको बताया इंडिया का सबसे स्लिमेस्ट और लाइटेस्ट 6000mAh बैटरी वाला स्मार्टफोन है। जी हाँ, 70W अडैप्टर आपको बॉक्स में मिलता है, फास्ट चार्जिंग बहुत बढ़िया दी गई है, और 0 to 50% आप इसको 19 मिनट में चार्ज कर सकते हैं, और लगभग 1 घंटे से थोड़ा ज़्यादा लगेगा इसको फुल चार्ज करने में। तो मतलब बहुत ही अच्छा यहाँ पर चार्जिंग सपोर्ट दिया, ताकि आपकी 6000mAh बैटरी को वो जल्दी से चार्ज कर दे। और ब्रांड ने यह भी क्लेम किया है कि आपको 5 ईयर्स हेल्थी बैटरी यहाँ पर मिलती है, मतलब इसकी बैटरी ऐसी है कि आपको 5 साल तक यहाँ पर बढ़िया चलेगी। अब तो खैर वो ब्रांड ने क्लेम किया, हमने उसके बारे में टेस्टिंग नहीं करी है, लेकिन हम नॉर्मल यूसेज की बात करें तो डे में आपको पूरा दिन और 1 से 1.5 दिन तक बैकअप आराम से मिलेगा। जितना भी हमने टेस्ट किया है AMOLED फुल ब्राइटनेस पर फोटोज वीडियोस निकाला, उस मामले में बैकअप बहुत ही अच्छा था। नेटवर्क कनेक्टिविटी की बात करें तो 5G आपको मिलता है, मल्टीपल 5G बैंड से, वाइडबैंड L1 दिया गया है, ब्लूटूथ 5.3 है, वाईफाई 5 है, आपको उसमें NFC मिलता है। यस, NFC का भी यहां पर सपोर्ट है, पीछे टैग भी दिया है NFC का, आपको FM रेडियो और सारे सेंसर्स का आपको सपोर्ट मिलता है। अब जाते जाते दोस्तों प्राइस की बात करें तो मुझे अभी फिलहाल के लिए इसकी प्राइस नहीं पता है, मैंने लॉन्च से पहले बनाया हूं, तो हो सकता है अंडर 20,000 कैटेगरी पर आपको मिले। जो भी होगा मैं स्क्रीन पर आपको दिखा दूंगा, क्योंकि हमारी जब एडिटिंग होगी तब तक शायद प्राइस इंफॉर्मेशन आ जाएगी, आपको स्क्रीन पर देख लेंगे तो पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली इसकी प्राइस क्या है। बाकी डिस्क्रिप्शन कमेंट में भी मैं ऐड कर दूंगा। और ये मैं जरूर कहूंगा कि अपग्रेड्स काफी हुए हैं अगर हम उसको टेक्नो पोवा 5 प्रो से कंपेयर करते हैं। बाकी सब कुछ डिपेंड करता है कि क्या प्राइस पर ये फोन लॉन्च होता है। आपको अगर फुल रिव्यू देखना है तो कमेंट में जरूर बताना, इसका फुल रिव्यू लेके आएंगे। लाइक करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।